हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इन्फ्लुएंसर माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएल एंट्री इफेक्ट्स वाया सिलेक्टिंग द ऑप्शन ऑफ जीएसटी क्रेडिट एंड ऑप्शंस आर अवेलमेंट एंड नॉन अवेलमेंट। तो जीएसटी क्रेडिट का जब अवेलमेंट और नॉन अवेलमेंट ऑप्शन हम यूज करते हैं परचेस इनवॉइस टाइम्स पे, तो क्या इम्पैक्ट आते हैं किसी जीएल एंट्री पे, वो हम चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस सेंट्रल की स्क्रीन मैंने ओपन कर रखी है। अब बिजनेस सेंट्रल में मैंने इनवॉइसेस क्रिएट कर रखे हैं और सेम मैंने नेविजन में भी कुछ इनवॉइसेस परचेस इनवॉइसेस क्रिएट कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं किसी भी एक इनवॉइस को एडिट करके। अब जैसे कि ये इनवॉइस ओपन हो रही है, इसमें आप देख सकते हो मैंने एक जीएल लगा रखा है और सेम मैंने इसके पहले जो इनवॉइस बनाई थी मैंने उसमें एक आइटम परचेस लाइन में एक आइटम ले रखा है। जैसे नॉर्मल आप इनवॉइस क्रिएट करते हो, ऑर्डर से इनवॉइस बनाते हो, कोटेशन से ऑर्डर या उसके बाद इनवॉइस बनाते हो या डायरेक्ट इनवॉइस बनाते हो, कोई भी प्रोसेस आप यूज करते हो जिसमें आप एक इनवॉइस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको जीएसटी भी लगाना है और इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू आप एक वेंडर को पे करते हो, उससे कुछ परचेस कर रहे हो, आइटम कैटेगरी है जिसपे आप जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, तो वो सिचुएशन सेम यही है जो मैंने क्रिएट कर रखी है। तो हेडर एंड लाइंस क्रिएट करने के बाद, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद, जब आप लाइंस पे आइटम ले लेते हो, क्वांटिटी ले लेते हो, रेट डिफाइन कर देते हो, जीएसटी ग्रुप कोड लगा देते हो, एचएसएन लगा देते हो और कैलकुलेट स्ट्रक्चर वैल्यू या फिर स्टैटिस्टिक्स करके आप टैक्स चेक कर लेते हो, प्लस ये जो जीएसटी क्रेडिट का जो फील्ड है यहाँ पे ये अवेलमेंट नॉन अवेलमेंट जो है एडिटेबल फील्ड है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको अवेलमेंट यानी जीएसटी क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है। अगर आप लोगे तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, एंट्रीज में क्या इम्पैक्ट आएगा, जीएल एंट्री में क्या होता है, अगर आप नॉन अवेलमेंट लोगे तो जीएसटी रिसीवेबल के लेजर में वैल्यू नहीं जाएगी। वो क्या करेगा, जो आपका जो मेन आइटम, जैसे आइटम मैंने ले रखा है चेयर आइटम है, ये इन्वेंट्री का जो जीएल होगा उसमें जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड होकर चली जाएगी और डेबिट हो जाएगा वो जीएल, और जो सेकंड जीएल है आपके वेंडर का वो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो नॉन अवेलमेंट के केस में जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट में जो वैल्यू है जीएसटी की वो नहीं जाएगी। तो हम चेक कर सकते हैं 9,000 रुपीज है, ये 9,000 रुपीज नॉन अवेलमेंट के केस में जीएसटी रिसीवेबल का लेजर जीएल अकाउंट में वैल्यू नहीं जानी चाहिए, ये हम चेक करेंगे। तो अब ये नॉन अवेलमेंट का केस है, पहले हम इसी को चेक करते हैं। आपको एक्शन टैब में जाना है अगर आप नेविजन यूज कर रहे हो, वैसे मैं बिजनेस सेंटर भी आपको दिखाऊंगी अभी। प्रीव्यू पोस्टिंग करनी है, लाइन कैलकुलेट होगी और हमारा यहाँ फोकस पॉइंट सिर्फ क्या है, जीएल एंट्री चेक करना। तो अभी आप चेक कर सकते हो जो पोस्टिंग प्रीव्यू आया है उसमें बहुत सारे टेबल्स में डेटा गया है, जीएसटी लेजर एंट्रीज, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज भी आप चेक कर सकते हो, कंपोनेंट क्या है, रेट क्या है, आईजीएसटी बन रही है, जो भी आपको चेक करना है, और इनपुट क्रेडिट के लिए वो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी का फोकस एरिया है जीएल एंट्री। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी बन रही है, 4, तो 4 जीएल्स यानी जनरल लेजर्स में वैल्यू जाएंगी। अकाउंट नेम आप राइट क्लिक करके चूज कॉलम करके एक्टिवेट कर लेना, आप एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ से आपको वो जो भी फील्ड है सिलेक्ट ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। अब जैसे मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है, तो अब आप देख सकते हो किन किन जगहों पे डेटा जा रहा है, और अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग एक बार कर लोगे तो डेबिट क्रेडिट सेपरेट हो जाएगा, 2 डेबिट आपको दिख रहे होंगे और 2 क्रेडिट है। परचेस रिटेल जो डोमेस्टिक वैल्यू है, और जब आप परचेस के साथ डील करते हो तो वो ये जो परचेस का लेजर है, अगर आप कंट्रोल बटन यूज करो तो ये 2 एंट्री आपस में वर्क कर रही है, सेट ऑफ हो रही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और आप देख सकते हो जीएसटी की वैल्यू थी 9,000, 18% 50,000 के ऊपर लगा था, तो 59,000 वेंडर को आप पे करोगे इंक्लूडिंग 9,000 जीएसटी, और परचेस की मेन वैल्यू थी आपकी 50,000 का गुड्स आइटम चेयर आप परचेस कर रहे थे। नेक्स्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्टॉक आइटम का भी होता है, तो जो स्टॉक हम रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी हम पोस्टिंग करना चाहें, और उसको मैंने एक कैटेगरी बना रखी है, डेमो डेटाबेस में आप चेक करोगे तो नॉर्मली ये कैटेगरी मिल जाएगी।
जो जीएल होता है रीसेल आइटम के नाम से, तो आप एफजी ले सकते हो। ये इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, इसकी कॉस्टिंग आ रही है टोटल जो इंक्लूडिंग वैल्यू है वो। तो रीसेल आइटम अकाउंट डेबिट यानी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, आइटम अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट जो भी आप कहना चाहें, टू डीसीए डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाइड, ये आपकी कॉस्टिंग के लिए है। तो आप इस तरह से कॉस्टिंग चेक कर सकते हो, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होकर नलीफाई हो जाएंगी। तो ये वैल्यू आप चेक कर सकते हो आपके, अब आप चेक कर सकते हो परचेस की जो वैल्यू है, और आप चेक भी कर सकते हो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, बाकी दो ब्लैंक है, ये सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन ब्लैंक है क्योंकि ये कॉस्टिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इनवॉइस डॉक्यूमेंट टाइप ये वैल्यू पोस्ट होगी इनवॉइस के थ्रू, और आप चेक कर सकते हो कि बिल वैल्यू आपकी कितनी बनेगी। परचेस अकाउंट में जाएगा 59,000, वेंडर का आउटस्टैंडिंग खड़ा होगा 59,000 से। तो ये क्लियरिटी आने के बाद हम इसे क्लोज कर लेते हैं। अब हमें क्या कर चेक करना है, अगर आप चाहो तो डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री जो है आप वो चेक कर सकते हो, इसमें आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा जो जीएसटी से रिलेटेड आप देखना चाहते हो। सारी चीजें चेक कर रहे हैं, बी टू बी नेचर ऑफ सप्लाई है, लोकेशन स्टेट कोड, बायर सेलर का लोकेशन, लोकेशन का रजिस्ट्रेशन, बायर सेलर का रजिस्ट्रेशन, नॉन अवेलेबल क्लियर कर दिया गया है, तो जीएसटी क्रेडिट अमाउंट का जो एक बुलियन होता है वो यहाँ ट्रू नहीं होगा, वो आप सेकेंड जगह देख सकते हो जब हम इसको अवेलेबल पर शिफ्ट करेंगे। सी क्रेडिट अवेल्ड अनट्रू है, अनचेक है, मतलब नॉन अवेलेबल है ये, तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो। वैसे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें छोटा सा चेंज करना है आपको, अवेलेबल करना है, और नेविजन की खासियत ये है कोई रिफ्रेश बटन आपको क्लिक नहीं करना है। अब हम सेम एंट्री जाके वहां चेक करेंगे, प्रीव्यू पोस्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू चेक योर जीएल एंट्रीज बिफोर पोस्टिंग द इनवॉइस। इनवॉइस पोस्ट करने के पहले अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि एंट्रीज कहाँ जा रही है, करेक्ट है या नहीं, डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, तो ये बेस्ट तरीका है, आप चेक कर सकते हैं जीएल अकाउंट नेम, सेल आइटम। अब आप देख सकते हो, अब हम वापस आ जाते हैं बिजनेस सेंटर पे, अगर प्रोसेसिंग फिनिश हो गई है तो हम, या सी परचेस इनवॉइस है जीएल अकाउंट पे बना हुआ है, ये ऑफिस सप्लाईज के लिए हम जीएल अकाउंट पे ही बात कर रहे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, जैसा नेविजन पे मैंने दिखाया बिजनेस सेंटर पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये जो एडिटेबल फील्ड है उसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स टाइप में जाना है और टैक्स का जो रेट सेटअप है, टैक्स रेट सेटअप, उसमें जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो एडिटेबल विजिबल और एडिटेबल जैसी फंक्शनैलिटी आप एक्टिवेट कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो, वैसे तो ये इनबिल्ट ही है, तो आप सिलेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आप साइट में देखो टैक्स इंफॉर्मेशन जो सारी आ रही है, आईजीएसटी जीएसटी बेस वैल्यू आ रहा है, बेस वैल्यू है 10,000 यानी कि वैल्यू है 10,000। अब इसमें मैं क्या ले रही हूँ, ऑफिस सप्लाईज और सर्विसेज ली जा रही है ऑफिस सप्लाईज की, और उसकी वैल्यू है 10,000, जीएसटी लग रहा है 18%, 1800, डेट यस्टरडे की है, और सारा ट्रांजेक्शन वेल मेंटेन है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें प्रीव्यू पोस्टिंग करना है। सेम चीज हम यहाँ भी चेक करेंगे, तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर नेविजन और बिजनेस सेंट्रल में कोई डिफरेंस आए, तो मुझे बिजनेस सेंट्रल में ऐसा कोई डिफरेंस दिखा नहीं, सिवाय जीएल अकाउंट जब आप एज अ टाइप लोगे परचेस इनवॉइस में, तो एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी प्रोसेसिंग हो जाए। सी अभी हमने ये लेना है जीएल एंट्री लिया, और सेम कॉन्सेप्ट है ऑफिस सप्लाईज वेंडर डोमेस्टिक ऑफिस सप्लाई। अगर आप ध्यान से देखो, मैं से एक बार डिसेंडिंग कर देती हूँ, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट आप जनरल लेजर सेटअप से एक्टिवेट कर सकते हो, अमाउंट ओनली, ऑल अमाउंट्स इस तरह से, तो आपको ये डेबिट क्रेडिट अमाउंट का कॉलम पे मिल जाएगा ऑल अमाउंट इन एंड एट द एंट्री लेवल पॉइंट, तो आप ये सेटिंग्स एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ अमाउंट रखना चाहते हो तो देख सकते हो जो माइनस के साथ आ रहा है वो क्रेडिट अमाउंट है, इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट फॉर द वेंडर 11,800,
1800 का जो हमारी IGST है, 10,000 हमारा बेस वैल्यू है प्रोडक्ट का, जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं ऑफिस सप्लाईज। तो वेंडर, अब जीएल अकाउंट नहीं, मगर आप देखोगे तो ऑफिस सप्लाईज का लेजर आपको 2 बार दिख जाएगा। और मेन मुद्दा हमारा ये है कि ये अवेलेबल पे है या ये नॉन अवेलेबल पे है। सबसे मेजर पॉइंट यही है कि ये नॉन अवेलेबल पे है। अगर ये नॉन अवेलेबल पे है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में इसीलिए पहले नेविजन दिखाया था कि नेविजन आप कंपेयर करो कि नेविजन के साथ क्या डिफरेंस आ रहा है। तो नेविजन में क्लब करके वैल्यू आ रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑफिस सप्लाईज का लेजर 2 बार दिखाया जा रहा है, एक बार परचेस वैल्यू के साथ, एक बार जीएसटी वैल्यू के साथ, जबकि उसे क्लब कर देना चाहिए था ऑफिस सप्लाइसेस अकाउंट डेबिट इक्वल टू 11,800 टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट वेंडर अकाउंट 11,800 से। लेकिन ऑफिस सप्लाइस के 2 बार आ रहे हैं, सेम लेजर वैल्यू को 2 बार लेके आ रहे हैं, एक बार बेस वैल्यू, एक बार जीएसटी की वैल्यू। तो ये डिविजन में मुझे नहीं मिला, ये मुझे बीसी में मिला है। यहाँ पे क्लब हो जाना चाहिए था। तो एक छोटी सी एनालिसिस है, आप देख सकते हो सकते आपके टेस्टिंग रिजल्ट में ऐसा ना आए। ऑफिस सप्लाइज सेम लेजर 2 बार आपको दिख जाएगा। और हमेशा एक चीज करनी जरूरी है कि हम सारे अमाउंट को एक बार असेंडिंग या डिसेंडिंग में रख लें एक साथ, ताकि प्लस वाले एक साथ आए और माइनस वाले यानी क्रेडिट वाले एक साथ आए, डेबिट वाले एक साथ आए। तो माइनस साइन के साथ जो आ रहा है वो क्रेडिट वैल्यू है। ऑफिस सप्लाईज 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स। यही मेरे ऑब्जेक्शन का विषय है। मेरे रिसर्च में तो इतना ही मिला है मुझे, आप चेक कर सकते हो। ऑफिस सप्लाईज क्लब होके आना चाहिए 11,800, वेंडर डोमेस्टिक करेक्ट आ रहा है 11,800, दैट्स इट। और एक बार हम इसे अवेलमेंट करके चेक करेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज 3 है, वापस चाहते हैं। मैं इसे एडिट करना है, थोड़ा स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक पॉइंट हो सकता है कि रिफ्रेश होने पे शायद इसमें चेंज हो, शायद बीसी रिफ्रेश होने में टाइम लेता है, तो मैं इसे एक बार मैं डेट के साथ ही रिफ्रेश कर देती हूँ, क्योंकि तो ये मेरा डेमो डेटाबेस है, मैं इस पर टेस्टिंग करती रहती हूँ। अब हम इसी इनवॉइस को फिर से पोस्टिंग के अंदर हमें मिल जाएगा प्रीवियस पोस्टिंग, अवेलमेंट हम ले चुके हैं, क्योंकि एडवांस वर्जन है बीसी नेविजन से, इसलिए कंपैरिजन, और बहुत सारे यूजर अभी भी नेविजन यूज कर रहे हैं। तो मैं दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करके आपको बता रही हूँ कि क्या क्या फर्क आप देख सकते हो। और वैल्यूज करेक्ट जा रही है, वैल्यूज में कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लब होके आता तो और अच्छा होता। सी नंबर ऑफ एंट्रीज 3। अभी आप ध्यान से देखो, ऑफिस सप्लाईज, उसके बाद पहले हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी हमें। ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट, IGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वेंडर डोमेस्टिक। आप वेंडर का नाम आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो, पर्सनलाइज करके आप चेक कर लेना, अगर वेंडर का नाम के ऑप्शन आ रहे हैं तो आप सोर्स कोड वाइज भी एक्टिवेट करवा सकते हो। लेकिन मेन मुद्दा हमारा क्या था, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट, IGST डेबिट, वेंडर डोमेस्टिक क्रेडिट, यहाँ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमने अवेलमेंट ऑप्शन लिया था जीएसटी क्रेडिट में। अगर अवेलमेंट आपने किया है तो ये परफेक्टली फाइन है, क्योंकि यही होना चाहिए था। IGST डिसेबल अकाउंट डेबिट 1800 ही होना चाहिए, IGST डिसेबल अकाउंट में ये खड़ा हो जाना चाहिए। ऑफिस सप्लाईज 10,000 की थी, इंक्लूडिंग जीएसटी हम वेंडर को पे करेंगे 11,800। अवेलमेंट के केस में परफेक्ट है, नॉन अवेलमेंट के केस में ऑफिस सप्लाईज में वैल्यू को क्लब होना चाहिए था, जो वैल्यू क्लब नहीं हुई। ये एक छोटा सा डिफरेंस मुझे मिला, और
शायद मैंने एक आइटम का भी बना रखा होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, अब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पे हमने अवेलमेंट पे रखा हुआ है और ये आइटम है। इसमें भी आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हो। अब आइटम लिया हमने, आईजीएसटी वगैरह चेक कर लिया हमने, कैलकुलेट हो रहा है सब कुछ। पोस्टिंग पे जाएंगे, रिव्यू पोस्टिंग करेंगे, अवेलमेंट है। अवेलमेंट के केस में क्या चेंजेस आता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सेंडिंग डिसेंडिंग भी कर लेंगे। क्या क्या चीजें आ रही हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, आईजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाइड और वेंडर डोमेस्टिक। करेक्ट है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब जैसे कि परचेस और वेंडर आपस में एडजस्ट हो जाएंगी और क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं हम आईजीएसटी रिसीवेबल का, आगे सेटलमेंट की अलग बात है। तो इस तरह से आप चीजें चेक कर सकते हो, इस तरह की इंक्रीज बनेंगी अवेलमेंट के केस में। ये आइटम का केस है, आइटम के केस में जीएसटी क्रेडिट अगर आप अवेलमेंट लोगे तो इस तरह की जेल इंट्रीज बनेंगी। अगर लोकल स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी का दो लेजर बनेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी का, वो आपको मिल जाएगा, दोनों डेबिट ही होंगे। और जैसे ये 63 आ रहा है वो हाफ हाफ डिवाइड होंगे, बस इतना चेंजेस होगा। बाकी तो आप जो भी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री इंफॉर्मेशन, ये भी आप चेक कर सकते हो। बी टू बी के ट्रांजेक्शन्स हैं, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री चेक करना चाहते हो ये चेक कर सकते हो। इंटर स्टेट है, किस इनवॉइस नंबर पे चार्ज हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी क्रेडिट अवेलमेंट है, लोकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो जीएसटी वेंडर है वो रजिस्टर्ड है, एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी इनपुट, यानी परचेस के केस में आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हो, एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस एज अ इनपुट आप क्रेडिट लोगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अगर चेक करनी है, अवेलमेंट का ऑप्शन तो मैंने आपको दिखाया ही था, तो आपको बस ऐसे स्क्रॉल करना है, जीएसटी क्रेडिट अवेलमेंट और आईटीसी ये सब आपको दिख जाएगी, स्क्रॉल करने से सब कुछ मिल जाएगा। और ये वन मोर थिंग, जीएसटी अवेल्ड थ्रू, ये ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको जो जो ऑप्शन दिखाए, एक जो एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी और क्रेडिट अवेल्ड, वापस आ जाइए। सेम चीज हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज हम करने वाले हैं नॉन अवेलमेंट के साथ। ये आइटम का केस है, ये कर लिया हमने। अब हम पोस्टिंग पे जाएंगे, रिव्यू पोस्टिंग, और हम चेक करेंगे कि आईजीएसटी रिसीवेबल का लेजर में वैल्यू आ रही है। Thank you.
जैसे कि हम आइटम के लिए चेक कर लेते हैं, चेयर आइटम है, अब जैसा हमने नवीजन में चेक किया था सेम अवेलेबमेंट लिया हमने, पोस्टिंग पे जाएंगे, रिव्यू पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि आईजीएसटी चार्ज हो रहा है तो हमें आईजीएसटी रिसीवेबल का लेजर मिलना चाहिए। उसमें आप देख सकते हो फिनिश गुड्स के साथ डीसी वगैरह आपको सब मिल जाएगा। आइटम है परचेस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री यानी कि फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, अगर ये लोकल टैक्स लगता तो, अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ये हाफ हाफ करके मिल जाते, दो लेजर मिल जाते, अमाउंट हाफ करके मिल जाता। लेकिन क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आपको जीएसटी का एक ही लेजर, एक ही जीएल मिलेगा, आईजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट। और ये वैल्यू इंक्लूड होके वेंडर के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई दे। जो फिनिश गुड्स है वो आइटम की कॉस्टिंग के साथ एडजस्ट होगा। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू डीसीए कॉस्टिंग के लिए है, बाकी तो आप देख ही सकते हो। परचेस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 67,712,186 डिवाइडेड बाय वेंडर डोमेस्टिक 79,886। अगर आप सम करोगे तो परचेस आईजीएसटी दोनों का सम करने के बाद आप मैच करा के देखो, वेंडर के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह से भी आप लॉजिकली समझ सकते हो। और आईजीएसटी अगर आप अवेलमेंट अवेलमेंट यूज करते हो जीएसटी क्रेडिट, तो आईजीएसटी का लेजर आपको मिल जाएगा, आईजीएसटी का लेजर डेबिट हो जाएगा परचेस के केस में, और आईजीएसटी की वैल्यू वेंडर कार्ड में इंक्लूड हो गया है। सेम अगर आप अदर चीजें चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, इसे नॉन अवेलमेंट कर देते हैं और चेक करते हैं आइटम के केस में बिजनेस सेंट्रल में कैसे हम फर्क देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप चेक कर लो कि दो अलग अलग स्टेट है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, आईजीएसटी लग रहा है, प्रीवियस पोस्टिंग। फिर से हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि जीएल 6 थे अभी बड़े हैं या कम हुए हैं, क्योंकि अब नॉन अवेलमेंट है। नॉन अवेलमेंट हमने कर लिया था, वो भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ऑप्शन आईजीएसटी का जो टेबल है, सॉरी जीएसटी लेजर एंट्री का जो टेबल है उसमें भी हम चेक कर लेंगे, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। जीएल एंट्री में आएंगे, इन्वेंटरी पोस्ट, इन्वेंटरी पोस्ट, परचेस, सेम चीज जो मैं हमेशा करती हूँ आपको वैल्यूज के साथ एक बार, ताकि डेबिट एक साथ हो जाए, क्रेडिट एक साथ हो जाए। अब आप चेक कर सकते हो कि वैल्यूज कैसी आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।